भाई आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले मीडियाटेक डायमेंसिटी 800 प्रोसेसर को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर के साथ में। और मीडियाटेक की जो डायमेंसिटी सीरीज है ना भाई, दोनों प्रोसेसर काफी तगड़े दिए गए हैं, दोनों में 5G का सपोर्ट आपको मिल जाता है और काफी तगड़ी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। साथ ही में बात की जाए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर की, तो भाई काफी तगड़ी परफॉर्मेंस इससे भी आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर करते हैं दोनों प्रोसेसर को कंपेयर और देखते हैं भाई दोनों में से कौन सा प्रोसेसर है बेटर। फटाफट से कंपैरिजन को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं लॉन्च डेट से। डायमेंसिटी 800 लॉन्च हुआ है हाल ही में 7 जनवरी 2020 को। स्नैपड्रैगन 765G लॉन्च हुआ था 4 दिसंबर 2019 को, यानी कि दोनों ही प्रोसेसर रिकॉर्डिंग डेट पे लेटेस्ट प्रोसेसर्स हैं। सीपीयू और सीपीयू क्लॉक स्पीड की बात करते हैं। डायमेंसिटी 800 के अंदर आपको डुअल क्लस्टर आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। 4 कोर मिलते हैं आपको परफॉर्मेंस के लिए, जहां पर आपको मिलता है आर्म कॉर्टेक्स A76 सीपीयू। क्लॉक स्पीड आपको मिलती है 2.0 GHz की। जो बचे हुए 4 कोर हैं वो मिलते हैं एफिशिएंसी के लिए, जहां पर आपको मिलता है कॉर्टेक्स A55 सीपीयू। क्लॉक स्पीड आपको मिल जाती है वहां पर 2.0 GHz की। स्नैपड्रैगन 765G की बात करें तो यहां पर आपको ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। एक मिलेगा कोर आपको हाई परफॉर्मेंस क्रायो 475 के साथ में, जहां पर आपको मिलता है कॉर्टेक्स A76 सीपीयू और क्लॉक स्पीड आपको मिलती है 2.4 GHz। जो दूसरा कोर है वो मिलता है आपको लो परफॉर्मेंस टास्क के लिए, जो कि बेस्ड है कॉर्टेक्स A76 पे क्रायो 475 सीपीयू। क्लॉक स्पीड आपको मिलती है 2.2 GHz की। और जो बचे हुए 6 कोर है वो मिलते हैं आपको एफिशिएंसी के लिए, जहां आपको मिलता है क्रायो 475 बेस्ड ऑन कॉर्टेक्स A55 सीपीयू। क्लॉक स्पीड आपको मिल जाती है 1.8 GHz की। यहाँ पर CPU के मामले में क्लियर विनर निकल के आता है स्नैपड्रैगन 765G। आपको बहुत ही ज्यादा पावरफुल CPU इसके अंदर मिलता है। CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर 7 नैनोमीटर पर बने हुए प्रोसेसर हैं, यानी कि दोनों ही के अंदर आपको एनर्जी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। हीटिंग का इशू दोनों में काफ़ी कम मिलेगा आपको और भाई परफॉर्मेंस तो भाई अच्छी मिलने ही वाली है। CPU आर्किटेक्चर एंड कोर्स की बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर 64-bit के ऑक्टाकोर प्रोसेसर हैं, यानी कि दोनों प्रोसेसर में आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए 8-8 कोर मिलते हैं। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं। डायमेंसिटी 800 के साथ में आपको मिलता है आर्म माली G57MP4 GPU और भाई स्नैपड्रैगन 765G के साथ में मिलता है क्वालकॉम एड्रेनो 620 GPU। अब यहाँ पर अगर बात करें ना इन दोनों GPU की, तो इनके जो GPU स्कोर निकल के आए हैं ना, खैर आर्म माली G57 का तो नहीं निकल के आया MP4 वाले का, लेकिन क्वालकॉम एड्रेनो 620 का जो GPU स्कोर है वो मिलता है 102 के आसपास, और आर्म माली G57MP5 वाला जो GPU है उसको मिले हैं करीबन 104 कुछ पॉइंट्स। तो आम माली G57 MP4 को तकरीबन 103-104 पॉइंट के आसपास मिल जाने चाहिए, यानी कि दोनों GPU अप्रॉक्सीमेटली एक जैसे हैं और भाई दोनों के अंदर आपको एक जैसी परफॉर्मेंस मिलेगी। और यहां पर स्नैपड्रैगन 765 के साथ में जो क्वालकॉम एड्रेनो 620 मिलने वाला है ना, वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो यहां पर हल्का सा एज हम देंगे स्नैपड्रैगन 765G को। रैम सपोर्ट की अगर बात करें तो दोनों प्रोसेसर के साथ में आपको डुअल चैनल LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलता है। डायमेंसिटी 800 के अंदर आपको 16 GB तक की रैम देखने को मिल सकती है और स्नैपड्रैगन 765G के साथ में आपको मिल सकती है 12 GB तक की रैम। लेकिन जो रैम फ्रीक्वेंसी है डायमेंसिटी 800 में मिलती है आपको 1866 MHz की, वहीं पर स्नैपड्रैगन 765G के अंदर आपको मिलती है 2133 MHz की। तो भाई जो रैम फ्रीक्वेंसी है वो आपको बेटर मिलती है स्नैपड्रैगन 765G में। रैम का जो साइज है वो इतना मायने नहीं रखता जितना रैम फ्रीक्वेंसी मायने रखती है, तो रैम सपोर्ट के मामले में भी स्नैपड्रैगन 765G बेटर प्रोसेसर है। स्टोरेज सपोर्ट की अगर बात करें तो भाई दोनों प्रोसेसर के अंदर आपको eMMC 5.1 का सपोर्ट मिलेगा, दोनों ही के अंदर आपको UFS 2.1 का भी सपोर्ट मिलेगा, और स्नैपड्रैगन 765G के अंदर तो कंफर्म है कि आपको UFS 3.0 का सपोर्ट मिलेगा, और डायमेंसिटी 800 के अंदर थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल है कि UFS 3.0 का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि जो डायमेंसिटी 800 की जो मीडियाटेक की ऑफिशियल साइट है वहां पर स्टोरेज टाइप में केवल UFS लिखा हुआ है, वहां पर मेंशन नहीं किया हुआ है कि कौन सा स्टोरेज सपोर्ट मिलता है UFS में। तो यहां पर मैं मान के चलता हूं कि 3.0 का सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन भाई ये गारंटेड नहीं है। बात करें कैमरा सपोर्ट की तो डायमेंसिटी 800 के साथ में आपको 32+16 MP का डुअल कैमरा सेटअप या फिर 64 MP तक का सिंगल कैमरा देखने को मिल सकता है। वहीं पर हम स्नैपड्रैगन 765G की बात करें तो 22+22 MP का डुअल कैमरा सेटअप या फिर सिंगल कैमरा की बात की जाए तो 36 MP तक का सिंगल कैमरा मिलता है आपको MFNR और ZSL के सपोर्ट के साथ में, और ये सपोर्ट्स अगर हटा दिए जाते तो 192 MP तक का आपको कैमरा मिल सकता है स्नैपड्रैगन 765G के साथ में। तो कैमरा सपोर्ट के मामले में तो यार 765G
जी एक बेटर प्रोसेसर है ही। वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन की बात करें तो Dimensity 800 प्रोसेसर के साथ में आप 4K अल्ट्रा HD वीडियो 2160 पिक्सल्स वाले रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 फ्रेम पर सेकंड में। फुल HD प्लस यानी कि 1080 पिक्सल्स में वीडियो अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो वो आप कर सकते हैं 120 फ्रेम पर सेकंड में, और HD वीडियो अगर आप रिकॉर्ड करते हैं 720 पिक्सल्स में तो वहां पर आपको फ्रेम रेट मिल जाता है 240 फ्रेम पर सेकंड का। Snapdragon 765G के साथ में भी आप 4K अल्ट्रा HD वीडियो 2160 पिक्सल्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकंड पर। फुल HD वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 फ्रेम पर सेकंड पे। HD वीडियो को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 480 फ्रेम पर सेकंड पे, और उसको इजीली आप स्लो मोशन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन के मामले में दोनों प्रोसेसर अप टू 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों ही के बीच में कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखता है। डिस्प्ले सपोर्ट की अगर बात करें, Dimensity 800 के अंदर आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, 1080x2520 पिक्सल्स का आपको रिजोल्यूशन मिल जाता है, और साथ ही में 90 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। Snapdragon 765G की बात करें तो यहां पर आपको QHD प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन QHD प्लस डिस्प्ले के साथ में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। जो रिजोल्यूशन मिलता है वो मिलता है 1440x3360 पिक्सल्स का, और अगर डिस्प्ले की बात की जाए, फुल HD प्लस अगर डिस्प्ले लगाया जाता है तो वहां पर आपको 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, और जो रिजोल्यूशन मिलता है वो मिलता है 2560x1080 पिक्सल्स का। तो डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में भी Snapdragon 765G बेटर प्रोसेसर है। LTE मॉडेम के बारे में बात करें, Dimensity 800 के साथ में आपको मिलता है इंटीग्रेटेड 5G डुअल मोड मॉडेम। डाउनलोड स्पीड आपको मिल जाती है 4.7 GBPS की, अपलोड स्पीड आपको मिल जाती है 2.5 GBPS की। Snapdragon 765G के साथ में आता है Qualcomm Snapdragon AX52 इंटीग्रेटेड 5G मॉडेम। 5G नेटवर्क पर डाउनलोड स्पीड आपको मिल जाती है 3.7 GBPS की, और 4G नेटवर्क यानी कि LTE नेटवर्क पर मिलती है डाउनलोड स्पीड 1.2 GBPS की। 5G नेटवर्क पर अपलोड स्पीड आपको मिल जाती है 1.6 GBPS की, और LTE नेटवर्क पर आपको अपलोड स्पीड मिलती है 210 MBPS की। तो यहाँ पर LTE मॉडेम के मामले में भाई डाउनलोड और जो अपलोड स्पीड है वो Dimensity 800 में बेटर मिलती है। Antutu स्कोर्स की बात करते हैं तो Dimensity 800 का Antutu स्कोर तो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन Snapdragon 765G को मिले हैं लगभग 320,847 पॉइंट, और ये पॉइंट काफ़ी अच्छे हैं, यानी कि Antutu के हिसाब से Snapdragon 765G की परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी मिलेगी। Geekbench स्कोर की अगर हम बात करें तो Dimensity 800 का Geekbench स्कोर भी अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन Snapdragon 765G को सिंगल कोर में मिले हैं 2,897 पॉइंट, और मल्टी कोर में मिले हैं 7,902 पॉइंट। ये भी काफ़ी अच्छा स्कोर है एक प्रोसेसर के लिए Geekbench की तरफ से, यानी कि Snapdragon 765G के अंदर काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो भाई ये था कंपैरिजन MediaTek Dimensity 800 का Qualcomm Snapdragon 765 प्रोसेसर के साथ में, और इस बैटल का जो अल्टीमेट विनर निकल के आता है वो निकल के आता है Qualcomm Snapdragon 765G प्रोसेसर। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा CPU मिल जाता है Snapdragon 765G के अंदर, उतना अच्छा CPU नहीं मिलता है आपको MediaTek Dimensity के अंदर। लेकिन GPU की जहाँ बात की जाती है तो दोनों के अंदर ऑलमोस्ट एक जैसा GPU आपको देखने के लिए मिलता है, और काफ़ी तगड़ी ग्राफिक्स की और गेमिंग की परफॉर्मेंस दोनों प्रोसेसर में मिल जाएगी। तो भाई और दूसरी एस्पेक्ट की बात की जाए तो वहाँ पर सब में आपको 765G थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर मिलता है, इसी कारण से इस बैटल का विनर निकल के आता है Qualcomm Snapdragon 765G प्रोसेसर। आप मेरे को कमेंट करके बताओ भाई दोनों में से आपको कौन सा प्रोसेसर बेटर लगता है, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।